के सपनों के साथी गांव के सरपंच बड़े भाई ऋषिपाल जी, प्रधान महेंद्र जी और मेरे साथ पार्टी में हम सभी ने अच्छा काम किया, गांव के मजबूत साथी मेरे बड़े भाई अजमेरे जी, समाज का नौजवान यहाँ पर है, मुस्लिम समाज का नौजवान यहाँ है,
जनरल सारी जातियां आज आपको मजबूत करती हुई जींद में ये बात फैसला कर चुकी है कि जींद में जो चार पांच खड़े थे जिन्होंने सदैव जींद को ठगने का काम किया, जिन्होंने सिर्फ जींद को भूखी तरह खा लिया, सिर्फ उनको छोड़ करके अगर किसी भी वर्कर को टिकट मिलेगी तो हम सभी मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप भी गांव में आओ, यहां से वोट लेकर के मजबूतियां जो है अपने घर बनाने का काम किया, आज उनके घरों में लगी हुई बोली चला जाए। चाचा दलवीर की अगर बात तो वोट डालने के बाद से पूरी उम्र चली गई, वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट डालते डालते पूरा जीवन बीत गया प्रधान जी आपका। लेकिन चलो आप एक्टिव हैं, लेकिन एक बुजुर्ग जब वोट डालते डालते बूढ़ा हो जाता है उसे उसका नुमाइंदा जानता नहीं तो किस प्रकार की वोट डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए नौजवान साथियों जिसके दरवाजे को लात मार कर खुला जा सके, जो आपकी मदद करने के लिए रात दिन आपके बीच में रहे, और वो वही हो सकता है जो दरिया बिछाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, जो झंडे उठाकर के पार्टी को मजबूत करते हैं, वो नहीं होते हैं जो एसी में बैठकर जोड़ तोड़ करते हैं कि मैं भला जाति से हूँ, मैं भला जाति से हूँ, मुझे वोट टिकट दे दीजिए मैं यूं कर दूंगा, मैं वोट कर दूंगा। इस प्रकार के समीकरण बनाने वालों को कतई चीन की जनता इस बार स्वीकार नहीं करेगी। मैं तो साथियों की बात करना चाहूंगा, बड़े बड़े राष्ट्रवादी से जितना भी समय मिले मुझे ये नहीं भूलना है कि किसी भाई के पैर में लंबे समय से दिक्कत है, पैर में फ्रैक्चर के बाद भाई चल नहीं सकते, लेकिन आपका आशीर्वाद ही हम नौजवानों के लिए काफी है। आप जितना भी समय निकले अभी दो दिन गाँव के बाकी है और एक दिन शहर में फिर से 14 तारीख को आधा शहर बचा हुआ है, हम करने का काम करेंगे। सम्मानित नौजवान अब छोटे मेरे बड़े भाइयों छोटे भाइयों आपसे भी आह्वान करता हूँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद।